पर 100 ग्राम वजन बढ़ने के ऊपर है किसी के साथ इतना बड़ा नाइंसाफ करना, ये गलत है। हमारा केवल मेडल नहीं, मतलब ये मान के चलो कि इससे हर एथलीट का मन टूटता है। इसके लिए केंद्र सरकार को कोई बातचीत करनी चाहिए। हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसको भी हमारी तरफ से, जो इंडिया की तरफ से 2 इंटरनेशनल कमेटी के मेंबर हैं, उनको भी इस बारे में बात करनी चाहिए। रेसलिंग फेडरेशन को भी करनी चाहिए। हम कैसे अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे अगर इस तरह से डिस्क्वालीफाई होंगे तो? इसलिए उसको मौका मिलना चाहिए। ये मेडल था हमारा, ये गोल्ड मेडल था, और सबसे ज़्यादा नुकसान देश का तो हुआ, हरियाणा का हुआ। मनु भाकर 2 मेडल जीत के आए थे। भाई हमारी बेटियों को बधाई है, अब तक जितने मेडल हैं सारे हरियाणा के नाम हैं। अगला मेडल भी गोल्ड जो आएगा वो भी हरियाणा के नाम होगा। हमारा वो लड़का नीरज चोपड़ा जो मेडल लेगा। गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी है? राज बनाएंगे, चुनाव नहीं, हमारी लड़ाई राज की। भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, उन्होंने नर्सों को लेकर विवादित टिप्पणी की, इसको लेकर क्या? अच्छी बात नहीं है। भाजपा के लोग बहुत बार इस तरह के बयान महिलाओं के प्रति, ये महिलाओं के प्रति कभी भी सजग नहीं रहे। आपने देखा नहीं हमारी बेटियों को किस तरह से, जो मेडल जीत करके आई थी उनको सड़कों पर बैठना पड़ा, सड़कों के ऊपर उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, कैसे खिलाड़ी के साथ एक मंत्री रहते संदीप सिंह ने उसके साथ क्या किया। उसमें मनोहर लाल खट्टर कहता था ना, मैं इसको नहीं हटाऊंगा। अब उसके खिलाफ चार्जशीट फेम होगी, अब मनोहर खट्टर को माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। मतलब ये लोग महिलाओं के प्रति हमेशा ही, इनकी सोच छोटी रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।